वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो इस बार एमी क्लास 11th साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इन सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ चुका है। आप एमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने एमी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके एमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं अपना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एकदम डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, सॉरी रिज़ल्ट एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल्ड में, और साथ के साथ काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है या ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है आपकी, और साथ के साथ काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके साथ साथ हम जो हैं आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे कि कितने नंबर्स पर सिलेक्शन हुआ है इंटरनल गर्ल्स बॉयज़ का और एक्सटर्नल गर्ल्स बॉयज़ का, कितने कितने नंबर पर साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में और साथ के साथ आर्ट्स स्ट्रीम में, इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितना कट ऑफ गया हुआ है, कितनी कट ऑफ यानी कि कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ है, और साथ के साथ जो है हम आपको वेटिंग भी बताएंगे कि कितनी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 26,832 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 22,718 स्टूडेंट अपीयर हुए थे इंट्रेंस एग्ज़ाम में। लगभग 84% स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे। और साथ के साथ अगर कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में 6,717 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 4,502 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, यानी कि लगभग 67% स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था डिटेल रिज़ल्ट एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कितने कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, कितनी सीटें हैं, और किस मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं, स्पेशल कैटेगरी में कितने हैं, चांस मेमोरी में कितने हैं, हर एक चीज़ आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब भी आप ये चैनल, हमारा चैनल आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में कितनी कितनी सीटें हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो साइंस स्ट्रीम में जो है 755 सीट बॉयज़ के लिए हैं और 480 सीट जो है गर्ल्स के लिए हैं। आप किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो है कॉमर्स स्ट्रीम में गर्ल्स और बॉयज़ की टोटल कितनी सीट हैं। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपकी जो है बॉयज़ के लिए 210 सीट हैं, और आप स्कूल देख लीजिएगा किस स्कूल में कितनी सीट हैं। गर्ल्स के लिए आपकी 60 सीटें हैं, यानी कि 60 सीट्स हैं। वहीं आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स में जो है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, तो आर्ट्स में बॉयज़ के लिए 160 सीट हैं, वहीं गर्ल्स के लिए 140 सीट हैं। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो है बॉयज़ के लिए 384 सीट हैं, वहीं गर्ल्स के लिए 311 सीट हैं। और किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें हैं आप ये देख लीजिएगा, कोर ब्रांचेज में कितनी सीटें हैं, इसके अलावा लोअर ब्रांचेज में कितनी सीटें हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, और हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या ब्रांच मिल सकती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा इतनी डिटेल्ड में वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। चलिए तो अब बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट देख लेते हैं हम पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिस एंड अपडेट वाले सेक्शन में आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज़, सबका रिज़ल्ट है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम जो है रिज़ल्ट वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, और इसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आपका सीनियर सेकेंडरी में, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट शो करने लग जाएगा। यहाँ पर आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स और बॉयज़ की सिलेक्टेड चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है, वहीं कॉमर्स और आर्ट्स के लिए सिलेक्टेड चांस मेमो स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है,
इसके अलावा साइंस स्ट्रीम में सिलेक्टेड चांस मेमो और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। तो सबसे पहले हम बॉयज़ की खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं लिस्ट, और इसमें आपको जैसे कि देखने को मिलने वाला है कि कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं S650। तो 650 पर कोई सिलेक्टेड नहीं है। 610 पर देखते हैं, 610 पर भी नहीं है सिलेक्टेड। 605 पर देखते हैं, 605 पर भी नहीं है। 604, तो 604 वाले स्टूडेंट जो हैं, 604 रैंक पर इनका रोल नंबर आ रहा है, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट में 604 स्टूडेंट्स को रखा गया है, यानी कि 604 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। वहीं चांस मेमो की अगर बात करें तो चांस मेमो में जो है आपके लगभग, हम चेक कर चुके हैं चांस मेमो की लिस्ट, तो इसमें 300 स्टूडेंट्स को रखा गया, सिलेक्ट किया गया है, मतलब सिलेक्ट तो नहीं, चांस मेमो के लिए 300 स्टूडेंट को होल्ड पर रखा गया है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट रहेगी तो आपको चांस मेमो वाले स्टूडेंट्स को जो है चांस दिया जाएगा, वेटिंग में रखा गया है। वहीं स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें तो स्पेशल कैटेगरी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ये डाउनलोड किया और इसके बाद इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज दिखाएंगी, जैसे CA कैटेगरी, CE कैटेगरी। उम्मीद है कि आप जानते होंगे CA और CE कैटेगरी, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा SC BC यानी कि OBC कैटेगरी, NCDS, ST, PS कैटेगरी, तो इसमें कितने कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्पेशल कैटेगरी में सिलेक्टेड हैं या वेटिंग में हैं? तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डॉलर इंडिकेट करता है कि आप जो सिलेक्टेड हैं, डॉलर यानी कि जिसकी रैंक के अगर डॉलर बना हुआ है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, और जिन स्टूडेंट की रैंक के आगे हैश लगा हुआ है वो जो वेटिंग में है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए जिस रैंक के साथ, जैसे कि यहाँ रैंक है CA093#, तो ये वेटिंग में है, जिसमें हैश लगा हुआ वो वेटिंग है, और जिस रैंक के साथ डॉलर लगा हुआ है वो सिलेक्टेड है, यानी कि सिलेक्टेड हैं। तो CA कैटेगरी में लगभग 35 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, CE कैटेगरी में 65 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, वहीं SC कैटेगरी में 13, OBC कैटेगरी में 16 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, NC कैटेगरी में 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, ST कैटेगरी में 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, वहीं PH कैटेगरी में 33 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। तो ये तो हो गई बात आपकी कि कितने कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। इसके अलावा आप अपने जो है, जैसे कि अगर आपने कॉमर्स में अप्लाई किया तो आप कॉमर्स का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स और बॉयज़ का भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो है आपकी 384 सीट बॉयज़ के लिए हैं, वहीं गर्ल्स के लिए 311 सीट्स हैं। तो बॉयज़ की बात करते हैं सबसे पहले कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बॉयज़ की कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो बॉयज़ के लिए लगभग हर साल 600-700 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो वैसे सभी स्टूडेंट जिनकी अंडर 600-700 तक वेटिंग आ रही है तो उन्हें जो है एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, लेकिन कोर ब्रांचेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी ये कोर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये आपकी कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं ये आपकी लोअर ब्रांचेस हैं। अगर आपकी वेटिंग ज़्यादा नहीं है, अंडर 200 है, तो आपको कोर ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी 200 से ज़्यादा वेटिंग है तब आपको कोर ब्रांचेस नहीं मिलेगी, लोअर ब्रांचेस में एडमिशन होगा। गर्ल्स के लिए भी यही सिनेरियो है, अगर वेटिंग कम है तो कोर ब्रांचेस में एडमिशन हो जाएगा, वेटिंग ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा कोर ब्रांचेस में एडमिशन। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है, तो वेटिंग की बात कर लेते हैं। साइंस स्ट्रीम में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है बॉयज़ के लिए, आपकी जो है वेटिंग आपकी लगभग 150 से लेके 180 तक वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स की जो है 100 से 120 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी।
वहीं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में अराउंड 100 के आसपास वेटिंग के लिए रोज आएगी। गर्ल्स में अगर बात करें तो गर्ल्स की जो है आपकी वेटिंग तकरीबन 30 से 35 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी। वहीं आर्ट्स में अगर बात करें तो आर्ट्स में लगभग 100 से लेकर 120 तक वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। और गर्ल्स की अगर बात करें एलेवेंथ आर्ट्स गर्ल्स की अगर बात करें तो उसमें आपकी ह्यूमैनिटीज़ में आपके लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है। तो कट ऑफ सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी की कट ऑफ इंटरनल स्टूडेंट, इंटरनल बॉयज़ की कट ऑफ जो रही है पीसीबी के लिए 42, वहीं गर्ल्स की अराउंड 45 रही है। गर्ल्स की एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा रहती है साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ, तो गर्ल्स की 45 है इंटरनल गर्ल्स की, वहीं इंटरनल बॉयज़ की 42 है। एक्सटर्नल की अगर बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट की पीसीबी के लिए तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की अराउंड 48, ये एग्जैक्ट 48 यानी हो सकता है प्लस माइनस 47 वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन वो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ गया हो, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अराउंड उनके 48 मार्क्स आ रहे थे तो उनका सिलेक्शन हो गया। वहीं गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स के अराउंड 50 मार्क्स पर सिलेक्टेड लिस्ट में उनका रोल नंबर है। अब बात करते हैं पीसीएम के लिए, तो इंटरनल बॉयज़ की जो 42 कट ऑफ रही है, गर्ल्स की अराउंड 45 ही रही है। एक्सटर्नल बॉयज़ की अगर बात करें तो 48 कट ऑफ है, गर्ल्स की अराउंड 50 है। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग कट ऑफ की बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट की 39 मार्क्स पर सिलेक्टेड हैं, गर्ल्स के अराउंड 37। अब आप कहेंगे कि ये अराउंड क्यों लगा रखा है, तो ऐसा है ना, लड़कियां जो हैं अब ज़्यादा एटीट्यूड में रहती हैं, अपने मार्क्स वगैरह भी हमारे साथ डिस्कस नहीं कर, हमारे साथ क्या किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती हैं, तो पता नहीं इनका नेचर ऐसा क्यों होता है कि वो ज़्यादा अपना ओपिनियन या अपना मार्क्स वगैरह ज़्यादा शेयर करती नहीं है। तो अराउंड 47 दो चार गर्ल्स से बात हुई है तो अराउंड 37 के अराउंड इनका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एक्सटर्नल स्टूडेंट 43 पर इनका जो है सिलेक्शन है, वहीं गर्ल्स की 43 पर सिलेक्शन है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। कॉमर्स की कट ऑफ की बात करते हैं तो इंटरनल स्टूडेंट बॉयज़ 45 पर सिलेक्शन है, गर्ल्स की कट ऑफ जो है अराउंड 43 है। एक्सटर्नल स्टूडेंट बॉयज़ 48 कट ऑफ है, वहीं गर्ल्स की 46 कट ऑफ है। इसके अलावा कट ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनल की जो है आपकी 45 है आर्ट्स में, वहीं गर्ल्स की 43 है, यहाँ कट ऑफ कम हो गई है गर्ल्स की। और साथ के साथ बात करते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट की जो कि आर्ट्स की कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, आर्ट्स में बॉयज़ की एक्सटर्नल बॉयज़ की 48 कट ऑफ है, वहीं गर्ल्स की 46 कट ऑफ है आर्ट्स के लिए एक्सटर्नल गर्ल्स की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारी चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी आप अपना रिज़ल्ट चेक कीजिए और हमें ये बताइए कि आपके कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनी है, और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जो लोग अप्लाई करेंगे या जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया उन्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है, कितने नंबर पर कितनी रैंक बनी है। और वैसे सभी स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया मतलब, तो वो ज़रा सा भी हताश ना हो और दोबारा से मेहनत करें, और वो ड्रॉप करने की ना सोचें, ड्रॉप ना करें, एडमिशन ले लें, यही हमारा सजेशन है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।